थल सेना, वायु सेना, जल सेना के साथ भारत ने तैनात की ड्रोन सेना। नई सेना को देख चीनी ड्रैगन के उड़े होश। चीनी सेना की तैयारी पर होने लगा उसको सख्त। चीन को भारत में घुसपैठ करना पड़ गया भारी। 2000 ड्रोन LSC पर तैनात, चीनी PLA सेना में खलबली। भारत ने कहा दागो चीन, कितनी मिसाइलों को दागोगे, खत्म हो जाएगा तुम्हारा जखीरा। तो आखिरकार भारत ने कौन से हथियार को किया अलर्ट? हाई एल्टीट्यूड पर चीन के साथ खेल शुरू। शून्य के नीचे पहुंचा तापमान, चीनी सैनिकों को पड़ने लगी है कुदरत की जबरदस्त मार। दोस्तों चीन के खिलाफ भारत ने गेम ऑफ ड्रोन शुरू कर दिया है। 3488 किलोमीटर तक फैली सीमा पर भारत चीन को तगड़ी मार देने की तैयारी कर रहा है। 2400 घंटे बॉर्डर की निगरानी के लिए ड्रोनों की फौज को तैनात किया जा रहा है। एक साथ 2000 ड्रोन चीन पर हमला करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये नए ड्रोन एडवांस और खतरनाक होने के साथ साथ सैटेलाइटों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होकर सेना की कंट्रोल रूम से सीधे कनेक्टेड होंगे। एक बार में ये ड्रोन उड़ान भरने के बाद 48 घंटे तक आसमान में तैनात रहेंगे। चीन की एक एक हरकत पर बड़ी बारीकी से नजर रखने वाले इस ड्रोन में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी लगी होगी, जिसकी पोजीशन को ट्रैक करना चीन के रडारों के बस की बात नहीं होगी। उधर चीन को डर लगने लगा है कि उसने भारत में घुसपैठ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने घुसपैठ करके अपने लिए खुद ही कब्र खोदने का काम कर दिया है। अब बिल्कुल भारत आर पार की तैयारी में जुट गया है। LSE पर तापमान शून्य से नीचे जा चुका है। इस कड़कड़ाती ठंड में चीनी सेना वैसे भी गंभीर बीमारियों से जूझने लगती है। ऊपर से 24 घंटे भारत के हमले का भी डर सता रहा है। चीन के द्वारा की गई किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना सीमा पर ड्रोन की फौज तैनात कर रही है। LSE के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ड्रोनों की तैनाती करने का मतलब है यह ड्रोन पहाड़ी खतरनाक घाटी पर मिनटों में पहुंच जाएंगे। इनके द्वारा क्षेत्रों की निगरानी भारत के लिए बहुत ही आसान होगी। और सबसे बड़ी बात, इन ड्रोन में हाई विजिबिलिटी के खुफिया कैमरे भी लगे होंगे, जो काफी दूर से ही बिल्कुल क्लियर इमेज भारतीय सेना को पहुंचाएंगे। इन ड्रोन की सहायता से भारतीय सेना कुछ ही वक्त में काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाएगी। चीन के द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्लान 1962 से चल रहा है, जिसके चलते चीनी पहाड़ी इलाकों में भी सड़कों का निर्माण करके उसी के दम पर भारत को धमकी देता है। लेकिन भारत ने उसकी धमकी का तोड़ निकाल लिया है। भारत जिन ड्रोन की तैनाती करने जा रहा है ये मल्टीपल ड्रोन होंगे, जो चीन की तैयारियों पर कड़ी पहरेदारी करेंगे और साथ ही उसके किसी भी बंकर को, किसी भी हथियार को मार गिराने के लिए विस्फोटक को गिराने की ताकत रखते हैं। जब से युद्ध की तरकीब में बदलाव आए हैं, तभी से ड्रोन की भूमिका किसी भी युद्ध में काफी बढ़ चुकी है। किसी भी युद्ध में ड्रोन की क्या अहमियत होती है, आप इसे जानने के लिए सालों से चल रहे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को देखिए। कैसे एक छोटे से मुल्क यूक्रेन ने अपने ड्रोन की बदौलत रूस के दमदार खतरनाक महंगे हथियारों को राख में मिला दिया। एक साल हो गया है दोनों देशों के बीच हो रहे इस भयंकर युद्ध को, लेकिन इससे पहले भी यूक्रेन और रूस के बीच काफी ज्यादा संघर्ष रहा है। पहले 2014 में क्रीमिया को लेकर भी। अभी भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के ड्रोन है, जो चुन चुन कर रूस के हथियारों को अपने टारगेट में लेते जा रहे हैं। उधर अभी तक आपने भारत के अंदर वायुसेना, थल सेना और जल सेना सुना होगा, लेकिन अब एक और अलग सी सेना के लिए चीन के खिलाफ भारत उतारने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम होगा ड्रोन सेना। इसी साल भारत की ओर से अगस्त के महीने में खुलासा हुआ था कि स्वार्म ड्रोन की तैनाती की गई है, जिनमें एक दो नहीं बल्कि कई सौ ड्रोन हो सकते हैं। उधर भारत की ओर से बस इतना बताया गया था कि दुश्मनों के खिलाफ अब स्वार्म ड्रोन तैनात किए गए हैं, लेकिन यह खुलासा नहीं किया गया कि इनमें कितनी संख्या में ड्रोन शामिल है और यह किन इलाकों में तैनात किए गए हैं। ये ड्रोन किसी भी टारगेट पर एक साथ अटैक करते हैं। अगर इनको काउंटर करने के लिए दुश्मन अपनी मिसाइलों को भी फायर करता है, तो कितने ड्रोन को मार गिराया जाएगा, यह भी अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन ड्रोन की संख्या कम से कम 100 होती है। तो इन सब को मार गिराने के लिए 100 मिसाइलें फायर करनी होगी, जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के बस की बात नहीं है। वहीं इसी साल भारतीय सेना की ओर से 2000 नए ड्रोनों की डील हुई है, जो 100 किलोग्राम के वजन वाले विस्फोटक लेकर 10 किलोमीटर के एरिया में गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे।
इसके अलावा भारतीय सेना की ओर से 15,000 फीट पर तैनात किए जाने वाले ड्रोन को शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में आमतौर पर ड्रोन की तैनाती करना तेज हवाओं के चलते मुश्किल हो जाता है, लेकिन भारत इसका भी हल ढूंढ लिया है और भारत जो ड्रोन बना रहा है यह तेज हवाओं में बिना टस से मस हुए अपना काम जारी रखेंगे। आसमान में तैनात रहते हुए चीन के अंदर की तैयारियों की ये वीडियो फुटेज भारतीय सेना के कंट्रोल रूम में भेजा करेंगे। भारत इस वक्त केवल उन ड्रोनों की तैनाती कर रहा है जिनके जरिए चीन को केवल सर्विलांस किया जा सके, बल्कि उन ड्रोन को भी तैनात किया जा रहा है जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त भारतीय सेना के जवानों को खाद्य सामग्री और दवाइयां भी पहुंचा सके। कोई भारतीय जवान दुश्मन के चंगुल में फंस जाए तो उसकी सटीक पोजीशन ट्रैक करते हुए उस तक हथियार पहुंचाए जा सके और जरूरत पड़े तो दुश्मन पर बम भी बरसा सके। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आपको बताते हैं दूसरी खबर के बारे में। यह खबर भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टेशन विमान से जुड़ी है। किसी भी युद्ध के समय ट्रांसपोर्टेशन विमान की बहुत अहम भूमिका होती है। दरअसल भारत की टाटा को जर्मन मूल की कंपनी ग्रो G120SPN से IP प्रॉपर्टी मिल चुका है, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत टाटा देश में ही C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। इसके उपयोग से भारत की वायुसेना सामरिक स्तर पर काफी मजबूत होने वाली है। किसी भी युद्ध की स्थिति में इसका उपयोग मालवाहक के तौर पर किया जाता है। यह एयरक्राफ्ट 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम होता है और साथ ही हर मौसम में यह उड़ान भर सकता है। वहीं इस विमान को इस प्रकार से निर्मित किया जाएगा कि इसका उपयोग दिन रात दोनों समय में मरुस्थल से लेकर समुद्र के ऊपर और पहाड़ों तक किया जा सके। C-295 मालवाहक विमान युद्ध में अहम भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा बहुत कम समय में किसी भी जटिल स्थान पर युद्धक हथियार पहुंचाए जा सकते हैं और साथ ही एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट में पैरा ड्रॉपिंग के लिए दरवाजे भी लगाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल किसी भी समय सैनिक कर सकते हैं। वहीं पहले भारतीय वायुसेना C-295 के स्थान पर एरो 748 विमानों का उपयोग करती थी। यह विमान एक ब्रिटिश मूल की कंपनी के द्वारा निर्मित मालवाहक विमान थे। वहीं भारत को एयरबस के द्वारा 2023 से 25 के बीच 16 विमानों की पूर्ति की जाएगी और उसके बाद 40 विमानों को टाटा के द्वारा भारत में ही असेंबल किया जाएगा, जहां एक तरफ भारत इन विमानों का केवल निर्माण ही नहीं करेगा बल्कि इनको खुद अपनी जरूरत के हिसाब से भविष्य में मॉडिफाइड भी कर सकेगा। अभी भारत जिन एरो ब्रिटिश मूल के विमानों का उपयोग करता था उस विमान की मेंटेनेंस बहुत आती थी, लेकिन अब भारत एयरबस का निर्माण करेगा और खुद ही उनकी मेंटेनेंस भी कर सकेगा, जिससे इन विमानों के लिए उपयोग के लिए भारतीय सेना को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।